हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेव थ्योरी ने रिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया था, मतलब रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। तो पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। माना ये एक इंटरफेस है जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। अब क्या हुआ, पहले इसमें एक रे इंसिडेंट करेगी, तो हमने उसको वेव नेचर से देखना है, तो रे इंसिडेंट नहीं करेगी, यहाँ पे वेव फ्रंट्स आएंगे। तो माना ये इंसिडेंट रे के प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, तो इससे वेव फ्रंट्स को बनाना आसान हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, तो ये वेव फ्रंट्स बन रहा है, ये वेव फ्रंट्स है। इस तरीके से वेव फ्रंट प्रोपगेट कर रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि एक ही मीडियम हम ले रहे हैं, तो ये एक मीडियम में ऐसे ये वेव जो है प्रोपगेट कर रहा है। अब क्या हुआ, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। माना इस मीडियम में जो स्पीड है लाइट की वो v1 है, क्योंकि दो अलग अलग मीडियम में जाना है, रिफ्रैक्शन है, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ये बैंड हो जाएगा। और क्या होगा, अब ये इसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है, तो ये थोड़ा सा बैंड हो गया, माना ऐसे चला गया। ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रोपगेशन की डायरेक्शन हम पहले बना ले रहे। अब क्या हुआ, जब ये पार्टिकल, जब ये वाला पॉइंट यहां से यहां पहुंचा, ये सोर्स जो है लाइट का, ये यहां से यहां पहुंचा, तो क्या होगा, ये वाला तो सरफेस पे पहुंच गया, इंटरफेस पे पहुंच गया। अब ये इसने दूसरे मीडियम में ट्रेवल करना है, लेकिन इसने इसी मीडियम में ट्रेवल करना है, और हम ये मान रहे हैं कि जो v1 वेलोसिटी है v2 से ज्यादा है। मतलब अगर इस मीडियम में है तो लाइट जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और इस मीडियम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और जितने टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, हमने माना उतने टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, क्योंकि ये दूसरा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम हम ले रहे हैं, इसलिए इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये वाला रेयरर मीडियम है इसलिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये वाला पार्टिकल, जब ये सोर्स जब यहां पहुंचा, तो ये जो है रिफ्रैक्शन होने के बाद यहां पहुंच गया, तो ये इसकी एक वेव फ्रंट बन गया। तो अब इस तरीके से ये वेव फ्रंट जो है प्रोपेगेट करेगी। अब जो है स्पीड कम होगी पहले से, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। इस तरीके से वेव प्रोपेगेट कर रही है, ये वेव फ्रंट्स आगे को चले गए। अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो वेव फ्रंट सरफेस से एंगल बनाएगी, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया आई, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। और हमने ये प्रूफ करना है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, यही रिफ्रैक्शन का लॉ है। अब इस मीडियम में माना वेलोसिटी v1 है, और इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है। अब इनको नाम दे देते हैं, माना ये a है और ये b है। ए बी वेव फ्रंट है। जब b जो है c पॉइंट पे पहुंचा, जितने टाइम में, उतने ही टाइम में a जो है वो d पॉइंट पे पहुंच गया, तो B से C पे जो टाइम लग रहा है वो भी T है, और A से D पे आने पे भी जो टाइम लग रहा है वो T है। मतलब जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंच रहा है, उतने ही टाइम में A जो है वो D पे पहुंच जा रहा है। तो इनकी हम डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो जो B से C की डिस्टेंस है वो गई स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है v1 और टाइम है t। तो जो B से C की डिस्टेंस हो गई वो हो गई v1 t। ऐसे ही A से D की डिस्टेंस, AD इक्वल्स टू क्या हो गया, अब डिस्टेंस स्पीड है v2, टाइम t लग रहा है, ये हो गया v2 t। ये दोनों स्पीड्स, दोनों डिस्टेंस हमने निकाल दी। अब इसके बाद साइन थीटा लेते थे, साइन आई, साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया bc और हाइपोटेनियस हो गया ac। तो साइन आई की वैल्यू हो गई bc अपॉन ac। ऐसे ही साइन आर, तो ये एंगल है, ये सामने परपेंडिकुलर हो गया AD अपॉन AC, AD अपॉन AC हो गया। तो अब इधर से हम इनका रेशियो निकालते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू BC अपॉन AC अपॉन AD अपॉन AC। तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, BC अपॉन AD। तो BC की वैल्यू क्या है, v1 इंटू टी,
वी वन इंटू टी, और ए टी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू क्या है, वी टू इंटू टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू। अब वी वन क्या है, एक मीडियम में लाइट की स्पीड जो कि क्या है, कांस्टेंट है, एक पूरा मीडियम है, इस पूरे मीडियम में जो स्पीड है लाइट की वो कांस्टेंट रहेगी, अपॉन वी टू क्या है, स्पीड है दूसरे मीडियम में ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो इससे हमें क्या मिला, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये रिफ्रैक्शन का लॉ हो गया। तो इस तरीके से वेव थ्योरी ने रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ कर दिया। तो इसके डायग्राम को एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ये एक इंटरफेस है, ये रे इंसिडेंट कर रही है, ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन है उसकी, तो वेव फ्रंट बना लेते हैं, ये वेव फ्रंट्स इस तरीके से आगे को प्रोपगेट कर रहा है, तो ये था, फिर यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये सरफेस पे पहुंच गया, लेकिन ये यहीं पे है, तो जब ये सोर्स यहां पहुंचेगा तो उतने टाइम में ये दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो इसकी स्पीड थोड़ा कम हो गई, तो ये यहां पहुंच गया, तो क्या हुआ, इस तरीके से ये वेव फ्रंट बन गई। अब ये ऐसे प्रोपोगेट करेगा एक दूसरे के पैरेलल, अब मीडियम दूसरा है इसलिए स्पीड चेंज हो गई, चेंज हो गई, कम हो गई। अब जो सरफेस ये एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, फिर हमने क्या करा, माना यहां पे वेलोसिटी वी वन है, इस मीडियम में वेलोसिटी वी टू है, यहां पे टाइम टी लग रहा है और इधर से यहां आने का भी टाइम टी लग रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हुई ये वी वन टी हो गई और ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये वी टू टी हो गई। फिर हमने साइन आई और साइन आर से वैल्यू पुट करी, निकाली और उसको पुट कर दिया साइन आई अपॉन साइन आर में, सॉल्व करा, वी वन अपॉन वी टू आ गया। वी वन क्या है, एक मीडियम में स्पीड लाइट की वो कांस्टेंट रहेगी, दूसरे मीडियम में वो भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक मीडियम में लाइट की एक ही स्पीड रहती है, इसलिए ये दोनों कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया, तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई। तो इस तरीके से हाइगेंस की वेव थ्योरी से रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया गया।